गाइज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। अगर मैं चाहता तो वो वीडियो प्राइवेट भी कर सकता था, बट प्राइवेट करने के बाद कई सारे सवाल उस वीडियो पे उठ जाते जो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे सही होने के बाद भी उस वीडियो पे सवाल उठे, इसलिए मैंने अभी तक वो वीडियो प्राइवेट नहीं करी है। गाइज सबसे पहले आप जाके वो वीडियो चेक कर लीजिए, वीडियो में सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ यही आप लोगों के साथ डिस्कस करा है कि श्रीलंका ने इंडिया को ऑफर करा था यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 श्रीलंका में करवाने के लिए, श्रीलंका उसको होस्ट करें ऐसा यहाँ पे श्रीलंका के कबड्डी प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इंडिया को ऑफर दिया था, प्रो कबड्डी लीग को ऑफर दिया था, जिसका जो ऑफिशियल प्रूफ है वो आप देख सकते हैं श्रीलंका के न्यूज़पेपर में पूरा ऑफिशियल प्रूफ छपा था जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। पिछली वीडियो में मैंने शो करा था और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बात बोली थी कि अभी इंडिया की तरफ से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और जैसे ही इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है आपको वीडियो बनाकर मैं पेश कर दूंगा। सो गाइज वही हुआ है, इंडिया की तरफ से मशाल स्पोर्ट्स जो कि प्रो कबड्डी का ऑर्गेनाइजर है उनकी तरफ से इसके ऊपर बहुत बड़ा बयान आया है। और गाइज आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं प्रूफ के बिना तो बात करता नहीं, प्रूफ भी दूंगा इस वीडियो में और पूरा बयान भी बताऊंगा। सो गाइज सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. So guys, जो बयान आया है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, मशाल स्पोर्ट्स स्पोक्सपर्सन सेड द यूजुअल विंडो फॉर अ सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग इज बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर दिस ईयर इन फेस ऑफ COVID-19 पेंडेमिक वी कंटिन्यू टू रिव्यू द सिचुएशन एंड बेस्ट ऑप्शंस फॉर अ सेफ एंड सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पोर्ट्स फैंस प्लेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स The official policy and the guidelines we are also not in discussion with the Sri Lankan Kabaddi Federation to hold Pro Kabaddi Season 8 in Sri Lanka. Anything that we finalize, we will done only after due to consultation with the team authorities, AKFI and PKL teams and other relevant stakeholders. इसके बाद जो है थर्ड भी आपको मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा दूँ, ये भी यहाँ पे जो है प्रो कबड्डी लीग के मशाल स्पोर्ट्स के ही यहाँ पे मैनेजमेंट की टीम के मेंबर हैं। इन्होंने मुझे बोला है, हाय आई वांटेड टू स्पीक विद सम हु मैनेज दिस ग्रुप, आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीकेएल टीम एंड दिस इज रिगार्डिंग द श्रीलंकन होस्टिंग पीकेएल विच इज रॉन्ग, सो इफ यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी then we will send your official information, thanks. और जो official information थी वो मैं आपको पहले ही शो कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि पहले ये information क्यों दी गई है? ये information सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि श्रीलंका के जो कबड्डी प्रेजिडेंट थे उन्होंने यहाँ पे अपना ऑफर रखा था, जिसको इंडिया ने यहाँ पे जिस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, यहाँ पे इस ऑफर को नहीं माना इंडिया ने। यही यहाँ पे बहुत बड़ा बयान दिया मशाल स्पोर्ट्स ने, जो कि मैं आपको लाइव ऑफिशियली प्रूफ, क्योंकि आपको पता है प्रूफ के बिना हम नहीं चलते, प्रूफ आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया कि यहाँ पे मशाल स्पोर्ट्स ने यही चीज़ बताई है कि अभी हम कोई भी मूड में नहीं है श्रीलंका में प्रो कबड्डी सीजन 8 कराने के लिए, एंड हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्थिति ठीक हो जाए ताकि हम जहाँ भी स्पोर्ट्स फैंस हैं, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, जो भी कबड्डी प्रो कबड्डी के प्लेयर्स हैं, वो प्रो कबड्डी लीग को एंजॉय कर सके, हम फैंस भी और प्लेयर्स भी। और गाइस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ साफ साफ यहाँ पे जाहिर करी है कि श्रीलंका में कोई प्रो कबड्डी लीग नहीं होने वाला है, इस चीज़ को नकार दिया गया है, इंडिया में ही होगा, जो होगा वो भी अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होने के बाद की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो गाइस सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अपडेट भी मैंने ही दी थी एंड सबसे लास्ट की अपडेट भी शायद मैं ही दे रहा हूँ कि प्रो कबड्डी लीग श्रीलंका में तो नहीं होने वाला है, जो मतलब एक डाउट बहुत बड़ा आ रहा था, उस डाउट को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड गाइस जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे का निकल के आया है वो प्लेयर्स का ही निकल के आया है, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स अगर श्रीलंका जाएंगे, उनके टेस्ट, उनकी मैनेजमेंट, बहुत कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है, जो कि टीम से शायद इसके बारे में डिस्कस करा होगा, AKFI PKL टीम्स के ओनर्स ने इसके बारे में डिस्कशन करा होगा, उसके बाद ही इस मुद्दे पर निकले होंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को, मैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।